मुरहू में आयोजित की गई रक्तदान शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि आज मुरहू में स्वर्गीय राय बहादुर लक्ष्मी नारायण जायसवाल की स्मृति में ब्याहूत कलवार जायसवाल संघ मुरहू के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलखो एवं खूंटी जिले के सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुरहू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश कुमार मौजूद रहे। वहीं इस रक्तदान शिविर को लेकर सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने वहां रक्तदान करने आए लोगों को भी संबोधित किया। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ब्याहूत कलवार जायसवाल संघ में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं समाज के विषय में दो शब्द में कुछ बात रखना चाहूँगा। मान्यवर, ये समाज यहाँ हर तरह का सामाजिक गतिविधि में सक्रिय रहा है। आपको जान के हर्ष होगा कि एक बैस कम्युनिटी में यह पहला समाज है यहाँ कि हर तरह का सामाजिक गतिविधि, चाहे धार्मिक हो या अन्य तरह का जितने भी कार्यक्रम होता है, उसमें बढ़ कर के हिस्सा लेती है। हम लोग सिविल सर्जन साहब के पास बैठे हुए थे, अचानक ये बोले कि हमारे यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड का शॉर्टेज हो गया है, कोई उपाय कीजिए। क्योंकि मैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जिला में हमेशा बीच बीच में कराते रहा हूँ, तो सर को बोले कि सर जितना जल्दी कहिएगा उतना जल्दी व्यवस्था हो जाएगा। क्योंकि यहाँ राजू का फ़ोन उस दिन तुरंत गया था जिस समय हम यहाँ बैठे हुए थे सर के पास, तो उसमें सर बोले कि 15 तारीख को महामहिम का कार्यक्रम है, उसके बाद हम लोग को रख लेंगे। तो फिर 20 तारीख का तय हुआ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि आपने इस सामाजिक कार्यक्रम में समाज को गति देने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय जो दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय वीडियो साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी सामाजिक गतिविधि होती है उसमें पैनी नज़र और हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहे हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्वेता मैम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक कॉल पर इनको जहाँ आवश्यकता महसूस होती है, हम लोग जब बोलते हैं वो सार्वजनिक रूप में भी आके और ऑफिस में भी काफ़ी मदद करती है। कम से कम मुरहू के निवासियों का हर तरह का सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहती है। और मैं आभार समाज के अध्यक्ष जी का भी मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने भी कि अपने समाज के माध्यम से और ये कार्यक्रम को अरेंज करने का जो बीड़ा उठाया वो सफल हुआ, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं HDFC बैंक का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जो डोनर हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट का भी व्यवस्था की है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आपने सुना कि सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा। तो खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।